Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं आनंद पांडे स्वागत करता हूं कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी सिस्ट को बनने से कैसे रोके के बारे में। किडनी में सिस्ट बनने को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी कहते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में होता है। इस डिजीज में किडनी में सिस्ट बन जाते हैं जिससे किडनी का आकार बड़ा हो जाता है और साथ ही टाइम के साथ प्रॉपर फिल्ट्रेशन करना भी बंद कर देता है। सिस्ट ब्लिस्टर की तरह ही होते हैं जिनमें कि लिक्विड फील होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से शरीर के और हिस्सों जैसे कि लीवर में भी सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर भी हो सकता है। इस बीमारी में पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही बैक पेन, सर दर्द, पेट में हैवीनेस और यूरिन में ब्लड भी आता है। पहला है पेट में दर्द होना, क्योंकि सिस्ट बनने से किडनी में एक सूजन आ जाता है जिसकी वजह से दर्द होना एक आम बात है। दूसरा है यूरिन में ब्लड आना, क्योंकि गुब्बारे के आकार के सिस्ट फूट जाते हैं जिससे निकलने वाला खून हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तीसरा है लगातार पेशाब आना, क्योंकि ये पानी के गुब्बारे आपकी किडनी में दर्जनों की संख्या में होते हैं जिसकी वजह से लगातार पेशाब आते रहता है। वही चौथा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम UTI के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक तरह का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यूरिन निकलते वक्त जलन होती है। पांचवा है पीठ में दर्द या भारीपन, जो कि किडनी में सिस्ट के हजारों की संख्या में हो जाने के कारण होता है। छठा है पेल स्किन। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में किडनी में वेस्ट लिक्विड हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पीली पड़ जाती है। अब हम कुछ ऐसे नेचुरल तरीके बताएंगे जिससे आप अपने किडनी में सिस्ट बनने से रोक सकते हैं। जैसे कि पहला है सोडियम और हाई प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट का सेवन ना करें, क्योंकि इससे किडनी पर दबाव पड़ सकता है जिसकी वजह से किडनी में बने सिस्ट फूट जाते हैं और किडनी खराब होने का खतरा और बढ़ जाता है। दूसरा है कैफीन प्रोडक्ट का यूज ना करें, जैसे कि कॉफी और चॉकलेट आदि हो सकते हैं। अगर हो सके तो चाय के सेवन को भी सीमित करें, क्योंकि ये आपकी किडनी पर दबाव डालते हैं जिससे किडनी ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। तीसरा है स्मोकिंग ना करें। अगर आपकी किडनी में सिस्ट बन गए हैं तो आपको तुरंत ही स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिस्ट की संख्या को बढ़ा देगा। यही नहीं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको कैंसर होने का भी खतरा रहता है। चौथा है दर्द निवारक दवाइयों का ज्यादा सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपको किडनी इन्फेक्शन होने का और यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ये आपकी सिस्ट की बीमारी को और बढ़ा देगा, साथ ही साथ आपको अन्य बीमारियों जैसे थकान, नींद ना आना जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। पांचवा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें, जिससे आप दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी से भी बचे रहेंगे। ब्लड प्रेशर किडनी की खराबी का दूसरा मुख्य कारण माना गया है। इसकी वजह से न सिर्फ आपकी किडनी की बीमारी होती है बल्कि अन्य बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने के लिए आप सोडियम का सेवन सीमित करें। आखिरी है लिक्विड के सेवन को सीमित करें। इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें कि अगर आपको किडनी में सिस्ट बन गए हैं तो आपको रोजाना कितना लिक्विड का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कि किडनी में सिस्ट बनने को कैसे रोकें के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। अगर आप या आपका अपना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल व केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर आप भी सेफ साइड पर आना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल
और खाने की हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करें। आप हमें दिए जा रहे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM1 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली। स्टॉप किडनी डायलिसिस।